हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम संसाधन भूगोल यानी रिसोर्स ज्योग्राफी के अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। यानी रिसोर्स ज्योग्राफी का मीनिंग, उसका नेचर और स्कोप क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, संसाधन भूगोल जो विषय है, इसमें भूगोल के साथ संसाधन जुड़ा हुआ है, तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि संसाधन भूगोल संसाधनों का भौगोलिक अध्ययन है। इसके अर्थ को हम और अच्छी तरह से अगर सरल भाषा में समझाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि संसाधन भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के समस्त संसाधनों, उनकी विशेषताओं, उनके उत्पादन और क्षेत्रीय प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। यानी संसाधन भूगोल जो विषय है, उसमें हम पृथ्वी तल पर जितने भी संसाधन मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका उत्पादन किस मात्रा में हो रहा है और उनके जो क्षेत्रीय प्रतिरूप हैं, उन सब का हम सम्मिलित अध्ययन संसाधन भूगोल में करते हैं। संसाधन भूगोल के अर्थ को दूसरे शब्दों में अगर हम समझाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि संसाधन भूगोल वह विषय है जिसमें भूतल पर मानव सहित सभी संसाधनों की विशेषताओं, क्षेत्रीय विभिन्नताओं, स्थानिक वितरण और उपयोग के प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव सहित जितने भी संसाधन हैं उनसे संबंधित सभी तथ्यों का सम्मिलित अध्ययन जो है वो संसाधन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, संसाधन भूगोल में जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि संसाधनों और उनके उपयोग के साथ साथ ही हम वो अध्ययन तो करते ही हैं और साथ ही साथ मानव द्वारा किए गए प्राकृतिक संसाधनों की खोज और उनके उपयोग व दोहन से संबंधित जानकारी का भी अध्ययन हम संसाधन भूगोल में करते हैं। संसाधन भूगोल को अगर हम और अच्छी तरह से दूसरे शब्दों में परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि संसाधन भूगोल पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले ज्ञात अज्ञात प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों की खोज, उद्भव, वितरण, इसमें विद्यमान स्थानिक भिन्नता, उपयोग प्रतिरूपों तथा संरक्षण का अध्ययन है। यानी संसाधन चाहे वो मानवीय हों, चाहे प्राकृतिक हों, ज्ञात हों या अज्ञात हों, उनका तो अध्ययन है ही है, साथ ही साथ संसाधन भूगोल में हम संसाधन संरक्षण का भी अध्ययन करते हैं। अब ये जो संसाधन भूगोल है, ये आर्थिक भूगोल की उपशाखा है, यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी की सब ब्रांच है रिसोर्स ज्योग्राफी। अब आर्थिक भूगोल में हम क्या अध्ययन करते हैं? देखिए, आर्थिक भूगोल में हम समस्त आर्थिक क्रियाओं और संसाधनों का अध्ययन करते हैं। यानी आर्थिक भूगोल एक विस्तृत अध्ययन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी आर्थिक क्रियाओं का और संसाधनों का। चलिए अब हम देखते हैं संसाधन भूगोल की प्रकृति। तो देखिए, इस पहले वाले डिस्कशन से ये क्लियर हो गया कि संसाधन भूगोल मानव के लिए उपयोगी प्राकृतिक और मानवीय तत्वों के स्थानिक अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, अब जब हम संसाधन भूगोल की प्रकृति की बात करें तो हम संसाधन भूगोल की प्रकृति में कुछ तथ्यों को सम्मिलित करते हैं, जिनमें सबसे पहला जो तथ्य है वो ये है कि संसाधन भूगोल संसाधनों की स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन है। हम डेफिनेशंस में अर्थ संसाधन भूगोल के अर्थ में ये डिस्कस कर चुके हैं कि संसाधन भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में जो प्राकृतिक और जो मानवीय संसाधन मौजूद हैं उनका वितरण, उनका भंडार, उनका उत्पादन, उनका उपयोग, उनकी समस्याओं, उनके संरक्षण व प्रबंधन आदि में पाई जाने वाली जितनी भी क्षेत्रीय विभिन्नता हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन व विश्लेषण करता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संसाधन भूगोल की प्रकृति में सभी संसाधनों के जो भी तत्व हैं उन सब का की क्षेत्रीय विभिन्नताओं और वैज्ञानिक अध्ययन व विश्लेषण जो है वो समाहित है। दूसरा तथ्य संसाधन भूगोल की प्रकृति का जो है वो है कि संसाधन भूगोल की जो प्रकृति है वह संश्लेषणात्मक है। देखिए, संसाधन भूगोल एक संश्लेषणात्मक विज्ञान है। संसाधन भूगोल देखा जाए तो एक अंतरानुशासनिक यानी इंटरडिसिप्लिनरी और संश्लेषणात्मक सिंथेसाइजिंग विज्ञान है। इसमें
किसी प्रदेश में रहने वाले मानव समाज की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है। यानी किसी क्षेत्र में रहने वाला जो भी मानव समूह या समाज है, उसकी भौतिक आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं वो क्या प्रकार की हैं, सोशल नीड्स जिसे हम कहते हैं, और उसकी जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं, इकोनॉमिक नीड्स हैं, वो किस प्रकार की हैं, इन सब का आकलन हम करते हैं। और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान मानवोपयोगी प्राकृतिक तथा मानवकृत संसाधनों की उपलब्धता व उनकी भौतिक विशेषताओं का विश्लेषण करते हैं। यानी मानव की जो सोशल, फिजिकल, इकोनॉमिक जो नीड्स हैं, उनके साथ साथ जो है हम मानव के उपयोग में आने वाले जितने भी प्राकृतिक और मानवकृत जो संसाधन हैं, वो उनकी उपलब्धता, यानी उनकी उपलब्धता की मात्रा किस प्रकार कितनी है, और उनकी जो भौतिक विशेषताएं जो है, इन सब का विश्लेषण जो है वो संसाधन भूगोल की प्रकृति में समाहित है। तीसरा तथ्य संसाधन भूगोल की प्रकृति का जो है वो ये है कि संसाधन भूगोल की प्रकृति गत्यात्मक प्रकृति है, क्योंकि संसाधन भूगोल स्वयं भी एक गत्यात्मक विज्ञान ही है। गत्यात्मक मीन्स डायनेमिक, एक उसमें कोई स्टेबल नहीं है, वो मतलब बहुत एक जगह स्थिर विषय नहीं है, क्योंकि समय के साथ जो संसाधन का जो उपयोग की प्रक्रिया है, इन सब में समय के साथ चेंज आता है। और संसाधन भूगोल, ये जो चेंज होता है संसाधनों की उसमें रूप में, उसका सबका अध्ययन करता है। देखिए, किसी तत्व में संसाधनता स्वयं उसमें नहीं होती, बल्कि मानव के लिए उसकी उपयोगिता में निहित है। यानी कोई भी तत्व संसाधन तभी है जब वो मानव के लिए उपयोगी है। यदि मानव के लिए उपयोगी नहीं है तो वो संसाधन नहीं है। देखिए, मानव अपने ज्ञान और प्राविधिकी के द्वारा पूर्ववर्ती अनुपयोगी तत्वों को भी उपयोगी बना देता है। यानी मानव जो है उसका, वो अपने ज्ञान के दम पर और उसका जो प्राविधिकी है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा अगर कोई पहले में कोई ऐसे तत्व हैं जो अनुपयोगी हैं, उनको भी वो उपयोगी बना देता है, और उन जिससे वे नवीन संसाधन विकसित होते हैं। यानी हमने अगर किसी तत्व को, जो अनुपयोगी तत्व को उपयोगी बना दिया, तो वो एक संसाधन हो गया, तो एक संसाधनों की श्रेणी में वो तत्व भी जुड़ गया। तो ये जो प्रक्रिया है, टाइम के साथ ज्ञान में वृद्धि होगी, तकनीकी में वृद्धि होगी, तो संसाधनों के उपयोग में और संसाधनों के विकास में भी वृद्धि होगी। इन सभी जो परिवर्तन हैं, इन सबको संसाधन भूगोल की प्रकृति समाहित करती है, और संसाधन भूगोल इन सब चीज़ों का अध्ययन करता है। तो हम कह सकते हैं कि संसाधन भूगोल की जो प्रकृति है वो गत्यात्मक है। अब चौथा जो तथ्य है संसाधन भूगोल का की प्रकृति का, वो ये है कि संसाधन भूगोल की प्रकृति में समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी देखिए, संसाधन भूगोल आर्थिक भूगोल की उपशाखा है। अब आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के वितरण के प्रतिरूपों तथा उन कारकों का अध्ययन करते हैं जो धरातल पर विद्यमान है, मौजूद है, और काफ़ी फैक्टर्स से प्रभावित होता है। अब संसाधन भूगोल की जो प्रकृति है वो भी यही है कि वो इन सभी आर्थिक क्रियाओं का उन अध्ययन विशेष रूप से करता है। अब पांचवा जो तथ्य है संसाधन भूगोल की प्रकृति का, वो ये है, संसाधन भूगोल की प्रकृति सामाजिकता लिए हुए है, क्योंकि संसाधन भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है। देखिए, संसाधन भूगोल में संसाधनों का अध्ययन है। सभी संसाधन, जितने भी संसाधन हैं, उनमें जो है मानव का ज्ञान है, नॉलेज है, वो सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि हम मनुष्य स्वयं भी संसाधन हैं, और जितने भी संसाधन मौजूद हैं हम लोगों को सम्मिलित करते हुए, तो उसमें जो हमारा ज्ञान है वो सबसे बड़ा संसाधन है। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान ही संसाधनों को उपयोगिता प्रदान करता है। अगर हम में ज्ञान नहीं है तो हम किसी भी वस्तु को, किसी भी तत्व को अपने उपयोग में नहीं ले पाएंगे।
प्राकृतिक तत्व जो हैं वो मानवीय गुणों से ही संसाधन बनते हैं, यानी मानव में अगर गुण होंगे, मानव के जो गुण हैं वो ही प्राकृतिक तत्वों को संसाधन बनाते हैं। अब ये मानवीय गुण क्या हैं? तो देखिए, मानवीय गुण में हम मानव के ज्ञान, उसके यानी नॉलेज, उसके तकनीकी विकास, उसके सामाजिक संगठन, उसके सहयोग, उसके सहकारिता, उसके राजनीतिक संगठन, सांस्कृतिक विकास आदि को हम सम्मिलित करते हैं। अब सामाजिक गुणों की प्रधानता के कारण ना संसाधन भूगोल सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में आता है। इसलिए संसाधन भूगोल की प्रकृति में कहीं ना कहीं सामाजिकता का अध्ययन भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र की, यानी रिसोर्स ऑफ सॉरी स्कोप ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी। देखिए, संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः पृथ्वी तल के संसाधनों की विशेषताओं और उनके उत्पादन व उपयोग का अध्ययन किया जाता है। यानी पृथ्वी तल पर जितने भी संसाधन मौजूद हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका उत्पादन क्या है, उनका उपयोग किस प्रकार हो रहा है, इन सब का जो अध्ययन है वो संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र में आता है। संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को हम तीन भागों में रख सकते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताओं का अध्ययन, उनका मूल्यांकन एवं मात्राकरण। यानी प्राकृतिक संसाधनों की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं, उनका मूल्यांकन करना और उनका मात्राकरण करना, ये संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र में आता है। देखिए, अब बात करते हैं हम प्राकृतिक संसाधन की। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन वातावरण की कुल दशाओं के योग का एक भाग है जिससे मानवता अस्तित्व में है। यानी वातावरण की कुल दिशाओं के योग का भाग है जिससे मानवता, जो हमारा मानव जीवन है, वो अस्तित्व में है, ये प्राकृतिक संसाधन है। वातावरण के इस बड़े घटक का प्रयोग जो है, यानी जो प्राकृतिक संसाधन जो है, ये वातावरण का बहुत इम्पोर्टेंट घटक है और इसका प्रयोग उत्पादन की प्रक्रिया में समाज की भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। हमारे प्रमुख जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो कौन कौन से हैं? वायु, सौर ऊर्जा, भूमि जिस पर मानव निवास करता है, अपने उद्योग स्थापित करता है, फिर मिट्टी यानी मृदा जो कृषि, बागवानी, वन आदि के उत्पादन का आधार है, फिर हमारे जलीय संसाधन आ जाते हैं जिसमें नदियाँ, झील, जलप्रपात, तालाब, समुद्र, महासागर हैं। फिर आता है भूमिगत जल जो एक भौतिक संसाधन है, हमें जल की आपूर्ति में मदद करता है। फिर है खनिज संसाधन, सभी प्रकार के धात्विक व अधात्विक खनिज जो हमारे विभिन्न उपयोग में मनुष्य हम लेता है। और फिर वनस्पति संसाधन जिनसे हमें पशु चारण और दूसरे व्यवसाय हमारे विकसित होते हैं। ये सारी जो चीजें हैं और उसके साथ साथ जीव जंतु ये सब उसमें आ जाते हैं। ये सारी चीजें जो हैं हमारे संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें सम्मिलित होती हैं। और प्राकृतिक संसाधन का एक अन्य मुख्य भाग जो है वो है मानवीय संसाधन। यानी मानवीय संसाधन का जब हम बात करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम मानवीय संसाधन के अंतर्गत किसी भी प्रदेश की जनसंख्या, उनकी शारीरिक क्षमता, उनकी मानसिक क्षमता, उनका स्वास्थ्य, उनके सामाजिक संगठन, उनके जो सांस्कृतिक प्रतिरूप हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं। तो ये सारा जो अध्ययन है, ये जो संसाधन भूगोल है उसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। अब दूसरा जो भाग है संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र का वो है मानवीय संसाधनों की विशेषताओं तथा वातावरण द्वारा निश्चित की गई सीमाओं या विकल्पों के अंदर मानवीय छांट जो संसाधन उपयोग के निर्धारण में सहायक होती है, उसका अध्ययन तथा संभावनाओं का अनुमान जो है वो संसाधन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। यानी जितने भी मानवीय संसाधन मौजूद हैं उनकी विशेषताएं क्या है और उन संसाधनों में जो भी वातावरण ने सीमाएं निश्चित कर रखी हैं, उन सीमाओं के अंतर्गत जो मनुष्य है वो अपनी चॉइस के अनुसार क्या विकल्प खोजता है, कैसे संसाधनों के उपयोग को निर्धारण करता है, इन सब का जो अध्ययन है वो संसाधन भूगोल में किया जाता है। अब देखिए, मानव जो है
जब हम संसाधन उपयोग की बात करते हैं मानव की चॉइस के अकॉर्डिंग, तो मानव अपनी संस्कृति या टेक्नोलॉजी का विकास करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग करता है और अपनी सारी जो ज़रूरतें हैं वो इन प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग करके पूरी करता है और इसी कारण ये जो प्राकृतिक तत्व हैं संसाधन बन जाते हैं। संसाधन भूगोल में इन संसाधनों का अध्ययन आवश्यक है क्योंकि मानव जीवन के अस्तित्व के लिए ये सभी संसाधन उपयोगी हैं। इनमें सबसे पहले जो संसाधन है उनमें हम सबसे पहले लेते हैं वायु। देखिए वायु जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जितने भी जीव जगत हैं प्राणी जगत है उन सबके लिए आवश्यक है। अब वायु का जो अन्य उपयोग जो है वो ये है कि हमारे वातावरण को पृथ्वी तल को गर्म रखने में सहायक होती है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अब मनुष्य इसके अलावा अपने ज्ञान की सहायता से वायु का जो उपयोग है वह अन्य चीज़ों में भी करने लग गया है। वो पवन ऊर्जा बनाने लग गया है, यानी वायु से ऊर्जा उत्पादन करने लग गया है, बिजली बनाने लग गया है, वायु को वो परिवहन में यूज़ करता है, उपयोग में लेने लग गया है। साथ ही साथ वायु के अंदर जो नाइट्रोजन गैस मौजूद है मनुष्य उसके लिए अपने नाइट्रोजन खाद इन सब चीज़ें बनाने लग गया है। तो मानव जो है अपने ज्ञान से ये जो संसाधन मौजूद था उसके कई उपयोग उसने और करने शुरू कर दिए गए हैं। इन सब का अध्ययन जो है मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। दूसरी जो चीज़ प्राकृतिक जो संसाधन है उपयोग है वो है सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा अर्थात सूर्य ताप कहलाती है। अब इससे जो सूर्य जो है वो मानव जीवन दूसरे वनस्पति जीवन या जीव जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक है। मनुष्य ने अब अपने तकनीकी विकास से सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत गृह स्थापित करने में कर लिया है। तो अपना जो उपयोग का स्तर है वो मनुष्य ने अपनी चॉइस के अनुसार बढ़ा लिया है। इसी प्रकार जल का भी विभिन्न तरीके से मनुष्य उपयोग करने लग गया है। नौ परिवहन, पीने जल पेयजल के अलावा फसलों को सींचने के अलावा इंडस्ट्रीज में उद्योगों में मनुष्य यूज़ करने लग गया है। साथ ही नौ परिवहन में यूज़ करने लग गया है। मत्स्य पालन मनोरंजन इन सब चीज़ों में मनुष्य ने इस जल के उपयोग को और बढ़ावा दिया है। फिर भूमि का उपयोग मनुष्य अपनी बस्तियां बसाने में उद्योग स्थापित करने में पशुचारण पशुपालन आदि करने में यूज़ करता है। मिट्टी मृदा भी एक मूलभूत प्राकृतिक संसाधन है, अपने भोजन मनुष्य उससे उगाता है, वनस्पति उगती है मनुष्य, इन सब चीज़ों का मनुष्य विस्तृत रूप से उपयोग करने लग गया है। इसीलिए इस संसाधन का भी विस्तृत रूप से संसाधन भूगोल में अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार वनस्पति जीव जंतु खनिज पदार्थ इन सब का जो उपयोग है मनुष्य अपने तकनीकी ज्ञान के विकास से और मनुष्य ने बढ़ा दिया है इन सभी का उपयोग। और ये सभी संसाधन है और इनके उपयोग की जो चॉइसेस हैं जो है वो सभी विस्तृत रूप से संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इनका विस्तृत रूप से संसाधन भूगोल में अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो भाग है संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र का वो है संसाधन उपयोग एवं नियोजन तथा इनकी विधियों एवं तकनीकों का अध्ययन। यानी संसाधन भूगोल में हम संसाधनों के अध्ययन के साथ साथ जो संसाधन का उपयोग है या संसाधन का नियोजन है और उसकी जो विधियां और तकनीकियां हैं इन सब का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। क्योंकि संसाधन जो उपयोग और उसके नियोजन और संरक्षण की जो आवश्यकता है वो अब ज़्यादा है क्योंकि दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या का कारण जो हमारा संसाधन है वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं। तो देखिए संसाधन नियोजन जब हम बात करते हैं तो जिसे हम कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग, तो इसमें क्या होता है कि भविष्य में मानव की आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक उन्नति के लिए किसी भी प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन संरक्षण और अनुकूलतम उपयोग की योजनाएं जो हैं वो संसाधन नियोजन के अंतर्गत आती हैं और ये सारी योजनाएं जो हैं संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित की जाती हैं। अब जब हम संसाधन नियोजन की बात करते हैं तो संसाधन नियोजन के अंतर्गत हम संसाधन प्रबंधन एवं संरक्षण
की बात करते हैं, यानी रिसोर्स मैनेजमेंट और कंजर्वेशन। अब ये जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये संसाधन प्रबंधन है, इससे हमारा तात्पर्य यह है कि किसी संसाधन के कुशल नियंत्रण तथा व्यवस्थापन से है, जो वर्तमान सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं, उपलब्ध तकनीकी ज्ञान, भावी उपयोगिता एवं आवश्यकता, पर्यावरण संरक्षण आदि को ध्यान में रखकर संचालित किया जाता है। यानी प्रबंधन के अंदर एक हमारा कुशल नियंत्रण एवं व्यवस्थापन होता है, जो कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब संसाधन प्रबंधन के द्वारा किसी संसाधन के प्रयोग की विधि, मात्रा, दशा व दिशा का निर्धारण किया जाता है। यानी हम इसका जो कोई भी संसाधन है उसको प्रयोग करने का तरीका को, उसको तरीका किस प्रकार का होगा और वो कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाएगा, इन सब चीज़ों का जो अध्ययन है वो रिसोर्स मैनेजमेंट में किया जाता है। अच्छा, और साथ ही साथ संसाधन का जो इष्टतम उपयोग है, ऑप्टिमम यूज़ है, उसका उसके लिए भी सुझाव इसमें दिए जाते हैं। अब संसाधन प्रबंधन जो है उसके तीन प्रमुख पक्ष हैं। पहला तो संसाधनों का सर्वेक्षण, यानी पूरे क्षेत्र में जितने भी संसाधन मौजूद हैं उनकी एक लिस्टिंग की जाती है। संसाधनों का मूल्यांकन, संसाधनों के मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, कौन सा संसाधन किस प्रकार का है, वो इंडिविजुअल रिसोर्स है कि किस प्रकार का, उसका आवास किस प्रकार का है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और फिर है संसाधनों का उपयोग व संरक्षण, यानी संसाधनों का उपयोग हम किस प्रकार से करें और उसका एक जो समेकित संरक्षण की प्रक्रिया है उसके बारे में हमें अध्ययन करना होता है और संसाधन भूगोल उसके बारे में अध्ययन करता है। देखिए, संरक्षण का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग और उनका प्रबंधन करना होता है, जिससे वे मानव द्वारा विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सदैव सुलभ हो सके और पारिस्थितिकीय संतुलन भी बना रहे। तो इन सब चीज़ों का जो सम्मिलित अध्ययन है वो संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र में आता है। अब इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि संसाधन भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है।